नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं PMFME योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत फ्लेक्ड चावल के प्रसंस्करण पर सत्र के वीडियो प्रदर्शन के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओडिशा सिटिविया, जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाली खाद्य फसल है और विश्व की 60% से अधिक आबादी के लिए एक स्थिर भोजन। चावल उत्पाद प्रसंस्करण और विपणन देश के सबसे बड़े उद्योग में परामर्श करते हैं। वहाँ यह अनुमान लगाया गया है कि कुल चावल उत्पाद का लगभग 10% फ्लेक्ड चावल, विस्तारित चावल और पापड़ चावल के उत्पाद पर लागू होता है। अब हम चावल के गुच्छे का प्रसंस्करण देख सकते हैं। सूखे धान में अधिकतम नमी 12-5% के बीच होती है, जो मुख्य घटक है। संग्रहित और साफ और स्वच्छ स्थिति के अलावा धान को एक एस्पिरेटर की मदद से धूल और गंदगी को हटाने के लिए एक बाल्टी कन्वेयर के माध्यम से सफाई प्रणाली में डाला जाता है। साफ कच्चे धान को 5 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर पानी में भिगोया जाता है और भिगोने वाले टैंक से पानी को पूरी तरह से हटा दिया जाता है और इसे 25-28% तक नमी सामग्री तक पहुंचने की अनुमति दी जाती है। फिर भीगे और वातानुकूलित धान को धान रोस्टर के हॉपर में चलाने के लिए मैनुअल रूप से डाला जाता है। रेत रोस्टर पारंपरिक रूप से 5 तरीकों से संचालित होता है और इसकी क्षमता लगभग 200 किलोग्राम प्रति घंटा है। भूनने को 1.5 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किया जाता है। प्रक्रिया को नियमित रूप से निगरानी के लिए प्रतीक्षा करने के लिए वातानुकूलित किया गया है। भूनने के बाद धान को एक जाल से गुजारा जाता है और धूल और मिट्टी के कणों को बाहर निकाल दिया जाता है। भुने हुए धान में नमी 17-20% की सीमा में होती है। भुने हुए धान को एज रनर में स्थानांतरित कर दिया गया और मोटे फ्लेक्स राइस बनाने के लिए 60-65 सेकंड के लिए दबाव डाला जाता है। फ्लेक्स चावल को फ्लेकिंग मशीन से एकत्रित किया जाता है और चावल के गुच्छे से किसी भी भूसी को अलग करने के लिए सफाई इकाई में और साफ किया जाता है। सफाई प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद जनरेटर में अलग अलग कणों के आकार या अलग अलग सामूहिक चावल पाउडर शामिल होते हैं और पशु चारा के लिए उपयोग उन्हें किया जाता है। तैयार चावल के गुच्छों को ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करते हैं। बेहतर स्थिरता के लिए पॉलिथीन बैग का उपयोग किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ साझेदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री औपचारिकता शुरू की है। PMFME योजना, दिशा निर्देश और विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण वीडियो प्रदर्शन और DPR के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं। आप सभी को धन्यवाद।